फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज के इस एक्सेल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेक टू हेक्स फंक्शन का इस्तेमाल एक्सेल के अंदर। देखिए, बेसिकली ये फंक्शन दिए गए डेसिमल नंबर को हेक्सा डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर लिखता हूं इक्वल्स डेक टू हेक्स और कोई एक नंबर है, मान लिया 1900, मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं हेक्सा डेसिमल में, तो ब्रैकेट ओपन करके मैंने 1900 वैल्यू पास किया। ब्रैकेट बंद करके जैसे ही मैं इंटरप्रेस करता हूं, यहां पे 1900 का जो हेक्सा डेसिमल इक्विवेलेंट है वो चला आया सामने, जो कि 3 डिजिटेड है। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो 1900 का हेक्सा डेसिमल इक्विवेलेंट है वो 7 डिजिट्स में आए, तो कॉमा के बाद एज अ वैल्यू ऑफ द सेकेंड पैरामीटर जो कि ऑप्शनल है, मैं वहां पे मैंने 7 टाइप कर दिया। अभी इंटरप्रेस करते हैं, देखिए यहां पे जो 3 डिजिट का इक्विवेलेंट बाय डिफॉल्ट शो कर रहा था वो 7 डिजिट्स का हो चुका है। आप चाहे तो यहां पे इसे 9 डिजिट्स या 10 डिजिट्स तक कर सकते हैं, 10 डिजिट से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं दिखा दे रहा हूं 10 डिजिट तक तो ये काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं 11 डिजिट में शो करूं तो ये हैज नम शो करता है। इससे पहले की भी दो फंक्शंस को जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो ये बातें मैंने बताई थी। अभी देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर्स रखे हैं और उनका हेक्सा डेसिमल इक्विवेलेंट मुझे निकालना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल्स डेक टू हेक्स, ब्रैकेट ओपन, इस सेल में वैल्यू, इस सेल का एड्रेस मैंने पास कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया और कंट्रोल इंटरप्रेस करता हूँ, चूंकि मुझे बाकी सेलेक्टेड सेल्स में भी सेम फार्मूला अप्लाई करना है ताकि जो भी अलग अलग नंबर यहाँ पे कॉलम ए में रखे हुए हैं उनका यहाँ पे हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकल जाए। देखिए, ये था सिंटैक्स नंबर 1। सिंटैक्स नंबर 1 में आप डेक टू हेक्स में सिर्फ पहले पैरामीटर को यूज करते हैं, सेकेंड पैरामीटर आप यूज नहीं करते जो कि ऑप्शनल है। तो यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है वो अगर 3 डिजिटेड है तो 3 डिजिट में आ रहा है, अगर देखिए यहाँ पे 4 डिजिट का है तो 4 डिजिट में आ रहा है। आप कुछ वैल्यू बढ़ा दो यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दिया तो 5 डिजिट में आ गया। लेकिन आप ये चाहते हो, अभी फिर से देखना, मैं यहाँ पूरे रेंज को सेलेक्ट करके F2 प्रेस करता हूँ, आप ये चाहते हो कि कॉमा ये जो है ना ये 10 डिजिट्स तक आए, कंट्रोल इंटर आपने ऐसा किया, देखो 10 डिजिट्स तक यहाँ पे आ रहे वैल्यू, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप यहाँ पे 11 डिजिट तक शो करोगे या 12 डिजिट तक शो करोगे कंट्रोल इंटर, तो देखो हैज नम एरर मैसेज दे रहा है, क्योंकि डेक टू हेक्स जो फंक्शन है वो ऑक्टल या हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट को जो शो करता है वो अप टू 10 डिजिट्स तक ही कर सकता है। इससे पहले भी मैंने डेक टू बिन में या डेक टू ऑक्ट वाले फंक्शंस के वाले वीडियो में ये चीज बताया था। अब चलो, तो यहां पे मैं 10 डिजिट तक शो कर लेता हूं कंट्रोल इंटर। अभी प्रॉब्लम ये है कि एक्सेल जो है ना वो 40 बिट यूज करता है हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं यहां पे ऑक्टल को चेंज करके हेक्साडेसिमल कर दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज जो इधर मैंने लिखा है। चलो यहां पे तो अभी प्रॉब्लम क्या है, रेंज क्या हो जाएगा, तो इक्वल्स -2 to the power 39, ये नेगेटिव का मिनिमम वैल्यू ये सपोर्ट करेगा। सिमिलरली यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू सपोर्ट करेगा वो 2 to the power 39 में से एक कम -1 शो करेगा। देखो तो यहां तक तो ये दिखा दे रहा है, लेकिन तब क्या होगा जब आप मिनिमम सपोर्टेड वैल्यू से एक कम या दो कम या तीन कम शो करोगे यहां पे, तो क्या उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आएगा, करके देख लिया जाए। मैं यहां पे लिखता हूं इक्वल्स 2 to the power माइनस में इक्वल्स -2 to the power 39, ये तो मिनिमम सपोर्टेड वैल्यू, चलो इससे मैं एक कम कर देता हूं, तो उस केस में देखो यहां पे हैज नम आ जा रहा है, क्योंकि रेंज के अंदर का वैल्यू ये नहीं है, रेंज से कम वैल्यू है, -1 ही कम है, -2 -3 तो एरर देगा, सेम एरर देगा। सिमिलरली अगर मैं जो रेंज है 2 to the power कितना रेंज है 1939 -1 रेंज है, चलो इससे मैं +1 कर देता हूं या +2 कर देता हूं, आपकी मर्जी, आप जितना भी प्लस कर दो, मतलब मैक्सिमम सपोर्टेड वैल्यू से आप ऊपर का एक वैल्यू शो कर रहे हो यहां पे, तो देखो उसका भी ये हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नहीं निकाल पा रहा है, और यही वजह है कि हैज नम एरर यहां पे दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि कोई एरर आए तो उसमें कोई मैसेज आ जाए, जैसे देखो यहां पे मैं यूज कर ले रहा हूं इक्वल्स इफ एरर,
अगर इस फॉर्मूला के एग्जीक्यूशन में कोई भी एरर है तो उस केस में आप यहाँ पे ब्लैंक दे दो, ब्रैकेट बंद, कंट्रोल इंटर। तो देखो जहां पे भी एरर आ रहा है वहां पे इसने क्या किया, वहां पे इसने सिंपली, चूंकि मैंने डबल कोटेशन में इफ एरर के साथ ब्लैंक दिया है तो यहां पे क्या किया इसने, ब्लैंक दे दिया। जहां पे हैज नम आ रहा था वहां पे ब्लैंक आ रहा है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि अगर कोई एरर होता है तो उस केस में ये हैज नम रिटर्न करता है एरर मैसेज। ठीक है, ये चीज नोट करने लायक बात है, इसको आप लोग नोट कर लोगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इस वीडियो से आप लोगों को सीखने का मौका मिला होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ, पब्लिश करूँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।